चिराग पासवान का नीतीश पर बड़ा आरोप, बड़ी खबर। जहां 2019 में नीतीश ने हमारे प्रत्याशियों को हराने की कोशिश की, मुझे बहुत उकसाया, लेकिन पीएम खिलाफ नहीं बोला। चिराग पासवान ने चाचा को भी संदेश दिया है, हाजीपुर से हमारा प्रत्याशी ही लड़ेगा। 2020 आते आते तक भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से खिलाफत करते, और उस वक्त भी इस बात को मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भाजपा से मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उस गठबंधन में रहना हम लोग को स्वीकार्य नहीं है, और हम लोगों ने गठबंधन से अलग हुए पर किसी दूसरे गठबंधन की तरफ हम लोग नहीं गए। ये पुनः हमारे नेता के उन सिद्धांतों का प्रतिबिंब है जब उन्होंने समझौते राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किए, सिद्धांतों के लिए किए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, सबके साथ बातचीत के जरिए ये साफ हो चुका है इस गठबंधन के तहत सपने अपनी पोजीशनिंग शुरू कर दी है, एक कंफर्ट लेवल सभी जाहिर करते नजर आए। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ ये एक जो लड़ाई है 2024 की वो सियासी के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है, और यही वजह है कि दोनों गठबंधन जो है एक दूसरे पे मनोवैज्ञानिक बढ़त भी लेना चाहते हैं, और यही वजह है कि उधर 26 दल अपोजिशन की बैठक में है तो यहाँ 38 दलों का जुटान होने जा रहा है, और ये कहने की कोशिश की जा रही, बताने की कोशिश की जा रही है कि आने वाला वक्त जो है किसका है, और ऐसे में जिसके साथ ज्यादा पार्टी आएंगे, छोटे दल ज्यादा आएंगे, उसका 2024 उसकी सरकार बनने जा रही है। और यही वजह है कि बीजेपी ने भी 38 दलों को अपने साथ जुटा लिया है। बीजेपी के लोग 38 दल आज एनडीए की बैठक में आएंगे, और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि 2024 में भी पूरे एनडीए का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और वही चेहरा होने जा रहा है। दरअसल बीजेपी भी 2004 की गलती नहीं दोहराना चाहती। जब बीजेपी 2004 में सत्ता में थी, उसके पास अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन, मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेता थे, बावजूद इसके सत्ता में रहने के बावजूद, इंडिया साइनिंग जैसे कैंपेन के बावजूद बीजेपी जो है सत्ता से बाहर हो गई थी, और जिसका खामियाजा उन्हें 10 साल सत्ता से बाहर रह के बिताना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ 2004 में सोनिया गांधी कांग्रेस ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा, उन्होंने 10 साल सत्ता का सुख भोगा, और यही वजह कि बीजेपी वो गलती नहीं करना चाहती है, छोटे छोटे दलों को राज्यवार जो है छोटे छोटे दल उनको अपने साथ जोड़ रही है। माइक्रो मैनेजमेंट पर आप नजर जरूर बनाए रखें, क्योंकि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, उससे क्या निकल कर सामने आता है।